नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरा चक्रम चलोकाम दधतम रुतघटम चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबोदो जलागम कटितट नमस्कार प्रणाम आप सभी को गुड मॉर्निंग प्रभात मोनिका मैडम जी को नमस्कार वंदना मैडम जी को नमस्कार नीता जी को नमस्कार मैं सबको होस्ट बना रहा हूँ और ऐसा ऑप्शन दे रहा हूँ इन शेयर कर सकते हैं प्रणाम सर प्रणाम सूत्र सर ये सर हमने कल ना 41 42 43 44 45 46 का ना पढ़ लिया था हिंदी वाला लेकिन उसकी अभी टीका नहीं पड़ी और इसी को हम अगर दोबारा पढ़ना चाहें तो सर यहीं से शुरू कर सकते हैं या तो फिर मैं नेक्स्ट उसकी टीका ही ले आती हूँ तो पढ़ लेते हैं काफी लंबा सूत्र है क्यों मैडम टीका पढ़ लें सर टीका पढ़ लेते हैं जी सर मैं पढ़ता हूँ फिर जो है वो लीजिए जोशी सर पहले इसका हिंदी वाला पढ़ लीजिए फिर पहले वाला पहले हिंदी वाला पढ़ देता हूँ मैं ये हाँ। पूरा सूत्र ही पढ़ देता हूँ मैं एक बार हिंदी पढ़ देता हूँ फिर आप इसकी टीका पढ़ पचेत पुनर्नवा तुलाम तथा दश पला पृथक दश मूल पयस्या सुगंधे रंड सतावरी सर्प सरकास सुमूल कोट कलान्विता वहे पाम अष्टभागस्थे तत्र त्रिशत फलम गुणात् नस्तम एरंड तैलस्य द्वे घृतात् पयस्तथा अवपेन्द्रि फलांशं च कृष्ण तन्मूल सैन्दवम यस्मरि चक्रवद्विता यवानि नागराणि च चारनागरं तत्सिद्धं सुकुमारक्षं कुमारं रसायनं वाता वातातपद्वायानदि परिहाये परिहार्ये स्वयंत्रणम् योज्यम सुकुमाराणाम स्वराणाम सुखात्मनाम ऋणाम स्त्रीवंद भर्तृणाम लक्ष्मी कलंगी कलि कलिनाशनम सर्वकालोपयोगेन कांति लावण्य पुष्टिद वर्ण विद्रदि गुल्मार्सो योनि मेढानिलार्तिषु शोकोदर कुड्डक्लीह विड्ड विबंध चो उत्तमम यहाँ कह रहे हैं कि पुनर्नवा मूल 100 पल यहाँ 100 पल लेकर दस मूल विदारी अश्वगंधा एरंड सतावरी दर्प बड़ी दर्प कुश करकंडा कास नीक का मूल कोटगल ये प्रत्येक 10-10 पल लेकर चार द्रोण जल निपात कर जब वर्षमान शेष रह जाए तो इस गुड़ में इसमें गुड़ 30 पल एरंड तेल 1 प्रस्त घी और दुग्ध 2-2 प्रस्त पिप्पली पिप्पली मूल सैंधव मोलेठी तक द्राक्षा अजवाइन यवक्षार और शुंठी प्रत्येक 2 पल मिलाकर तेल सिद्ध करें सुकुमाराख्य तेल अतिशय सुकुमार रसायन वायु भूत चलने वाले लोग हैं सवारी आदि में इसको देने में कोई परहेज नहीं मार नाजुक ऐश्वर्यशाली के जीवन बिताने वाले पुरुषों के लिए और बहुत सी लोग स्वामियों के लिए जो
दौर्भाग्य और पाप नाशक है, हर समय इसको उपयोग किया जा सकता है। ये कांति, लावण्य और पुष्ट वर्म, विभिधि, गुल्म, अर्श, योनि रोग, मेहन रोग, वात रोग, शोक, उदर, वात रक्त, लीहा और मलाव रोग के उत्तम औषधि के रूप में काम करता है। जी मैंने ये पढ़ दिया, अब इसकी है टीका कौन पढ़ेगा? क्या पढ़िए विनीता जी? जी सर, प्रणाम सर। सर आ रहा है आपके समक्ष? अभी आ रहा है सर, स्क्रीन पे मॉनिटर में। पढ़िए संस्कृत का, पढ़िए 47 के बाद। पुनर्नवस्य तुला जलस्य वहे पचेत। पुनर्नवा, आपको बताइए। हाँ, पुनर्नवा तुला लेकर जल के साथ पाचन करना चाहिए, तथा दश मूलाधीन एक तुला जल में पुनर्नवा का पाचन करें, ऐसे होगा शायद से ना? ऐसा है जी। जी मैम, तथा दश दश मूलादि पृथक दश फल प्रमाण, दश मूल आदि अलग अलग दश फल प्रमाण में लेने चाहिए। पोर्टगलो जो वो है नल के लिए बोला गया, अष्ट भाग शेषे च तस्मिन गुड़ा त्रिंशत पला पलान अरण्य तेलात प्रस्थ घृतस्य प्रस्थो द्वो क्षीर प्रस्थो द्वो छिपेत। अष्ट भागे शेषे, जब जल अष्ट भाग रह जाए, क्वाथ अष्ट भाग रह जाए, तस्मिन उसमें गुड़ त्रिंशत पल, मतलब 30 पल गुड़, और अन्य अरण्य तेलात प्रस्थ घृतस्य प्रस्थो द्वो, मतलब अरण्य तेल और घृत दोनों प्रस्थ प्रस्थ लेना चाहिए। क्षीर प्रस्थो द्वो, क्षीर भी दो प्रस्थ लेना चाहिए। छिपेत द्विपल प्रमाण पिपल्यादिकम, पिपली आदि दो पल प्रमाण में लेने चाहिए। तदेत तत्पक्व सुकुमार सज्ञ घृत रसायन सुकुमारम, इस तरह से जो पाक होता है उस वो सुकुमार लोगों के लिए सुकुमार घृत रसायन कहा गया है। अतः एव वाता तपिक आदि क्या है, ताप तपिक देश यंत्रणम, मतलब इसको वाता तपिक अध्व यंत्रणम, मतलब इसको जैसे वाता तपिक विधि होती है ना रसायन सेवन की, उस तरह से कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का परिहार वो नहीं है, मतलब किसी तरह का वर्ज्य नहीं है। सुकुमाराणम ईश्वर ईश्वराधीनम प्रयोजम, सुकुमार और तो इसमें ईश्वर ईश्वराधीन का मतलब क्या होगा सर इसमें? सुकुमार और जो है बहुत सारी यहाँ पे लिखा है, इसका पॉलीगेमी से है, बहुत सारी स्त्रियों के स्वामी से है। जी सर, अलक्ष्मी कलिग्न सर्व कालो उपयोगात कांत्यादि वर्धमाध्यात अर्ति शुभ श्रेष्ठम, मतलब जो अलक्ष्मी अलक्ष्मी और दरिद्रता और कलह का नाश करने वाला है, सर्व काल में उपयोगी है, कांति आदि की वृद्धि करने में श्रेष्ठ है। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। यहाँ पे मैडम जी आ गई हैं, मेरा सत्यनारायण मैडम जी का भी स्वागत है, आरती जी का भी स्वागत है, शहीद सिंह जी पर चलिए, राम कुमार जी, कोई इस पे बताना चाहे, कुछ और इस पे एक्सप्लोर करना चाहे, कहीं और से कोई रेफरेंस है इस तरह का पार का, तो आप खेल का जो है आप बता सकते। जैसे द्रव्यों पे देखें तो पुनर्नवा जो है वो ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि का जो इफेक्ट है वो डिजेनरेटिव है, तो डिसऑर्डर्स में बहुत देते हैं। ऐसे ही अश्वगंधा खुद में रसायन है, शतावरी भी रसायन रूप में काम करता है, और बाकी जो इसमें ये पुष्पास आदि भी हैं, ये डायरेटिक भी हैं और कहीं ना कहीं शुभार भी हैं। ये आप घृत का उपयोग ऑलरेडी, आयरन तल का उपयोग स्वयं और जीवन देने वाला है, ये सभी द्रव्यों का उपयोग करके रसायन बनाया जा रहा है। कहने का अर्थ ये कि सुकुमार कोई भी व्यक्ति हो, फैमिली कम भी हो, वो भी व्यक्ति मात्रा का ध्यान रखते हैं।
मैडम अंजना मैडम को बताना हो तो बताइए आप। जी सर नमस्कार सर, सुप्रभात सभी लोग। जी सर, ये सर जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका नाम ही एकदम स्पेसिफिक है, सुकुमार रसायन निर्माण विधि। और एक्चुअली जो हम लोगों ने दो दो चिकित्सा इसमें एक चैप्टर में दो चिकित्सा पढ़ी, हम लोगों ने विदग्ध चिकित्सा भी पढ़ी और वृद्धि चिकित्सा भी पढ़ी। और ये जो उन्होंने सुकुमार रसायन तेल सुकुमार रसायन जो बनाया गया है, वो जैसे अभी आपने बता ही दिया है कि पुनर्नवा हमने इसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लिया है, स्पेशली 400 तोला लिया है। और फिर दशमूल के 10 द्रव्य ले लिए हैं, क्षीर विदारी, अश्वगंधा, एरंड की जड़, शतावरी, कुश, और उसके बाद जो हमारी लघु पंचमूल है वो उसमें कुछ डाला है, कुश, काश, दर्व, इक्षु, और उसके अलावा नर्सल की जड़ को लेकर 40-40 तक लेकर हमने इसको बनाया, एक तरह से इसका जौकुट बनाया, और फिर इसका क्वाथ बनाया, और फिर जो अष्टमांश रहा तो उसको छाना, और उसके बाद उसमें हमने गुड़ मिलाया 120 तोला, और फिर एरंड तेल मिलाया, एरंड तेल 64 तोला मिलाया, गाय का घृत और गाय का दुग्ध भी मिलाया 128 तोला। बहुत अच्छी कैलकुलेशन के हिसाब से इसको बनाया जा सकता है। और फिर इसमें जो है पिपली, पिपली मूल, सेंधा नमक, मुलेठी, मुनक्का, अजवाइन और सौंठ, ये 8-8 तोला डाला इन्होंने पकाया। मैडम ने सब बहुत अच्छे से टीका में समझाया हम लोग को भी। और पकते पकते जब ये अबलहे जैसा हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि ना बहुत ज्यादा जल उसका जो है वो कंप्लीट होके अबलहे, जैसे च्यवनप्राश अबलहे बनता है, उस तरह का हम इसको अबलहे बनाएंगे। और अबलहे बना के जब इसको चलाते रहेंगे, और जब तक ये शीतल नहीं होगा तब तक इनको चलाना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये लग जाता है, इसका जो बेस में अगर लग जाएगा तो फिर इसका इफेक्ट कम होने लगेगा, या फिर वो जो है वो उसमें जलने का जो एक लगने का मतलब होता है जलना, जलने ना लगे इसके तल से, इसलिए इसको लगातार चलाना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छी बात एक बताई इन्होंने यहाँ पे कि जो सुकुमार रसायन हमने बनाया है उसके लिए बहुत ज्यादा कोई भी किंतु परंतु या कोई भी जो है बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। अगर आप हवा में घूम रहे हैं, आप धूप सेक रहे हैं, आप रास्ता चल रहे हैं, आप मतलब सवारी यात्रा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का परहेज इसमें नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, इसको सेवन भी कर सकते हैं और इसको सभी लोग सेवन कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि स्पेशली एक ये जो है बाजीकर भी है, और इसके अलावा ये जो है जब बाजीकर है, और दूसरी बात ये कि पुष्टि कर रहा है, तो निर्धनता, क्योंकि आदमी के पास जब शक्ति रहेगी तो वो कुछ भी कार्य करने के लिए समर्थ होता है, तो उस तरह से देखा जाए तो ये किसी भी तरह का कष्ट नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, और किसी तरह की निर्धनता नहीं आएगी। और कांति और लावण्य मतलब होता है जो भी रसायन की तरह एक तरह से इसका सेवन बताया है, क्योंकि कांति को और हमारी प्रभाव को लावण्यता को बढ़ाएगा, शरीर को पुष्ट करेगा। और स्पेशली जो उन्होंने इंडिकेशंस बता दिए, इंडिकेशंस में उन्होंने यही बता दिया है कि इसमें जो है हमें हर्निया भी और स्पेशली हाइड्रोसील, इन दोनों में इसका असर इंडिकेशन बता दिया है। उसके बाद इन्होंने जो है विदधि बता दिया है, गुण बता दिया, अर्श बता दिया, योनि रोग बता दिया, और स्पेशली जो मेल जेनेटल ऑर्गन्स के रोग हैं उसके लिए इन्होंने इसको बहुत इफेक्टिव बताया है कि मेल जेनेटल और पुरुष मूत्रेंद्रिय संबंधी जो भी रोग होंगे, वात व्याधि में भी इसका असर बताया, शोथ में बताया, उदर रोग में बताया, वात रक्त में बताया, पीली विकार में बताया, और मल विबंध, तो इतने सारे इंडिकेशंस भी इन्होंने साथ में बता दिए हैं। आप कुछ भी नहीं हो तो भी इसका सेवन करेंगे तो ये रसायन काम करेगा। और अगर आपको इस तरह की व्याधियां हैं, चाहे आपको हर्निया, हाइड्रोसील हो, या किसी तरह की कोई एप्सिस है, गुल्म है, अर्श है, योनि रोग है, पुरुष मूत्रेंद्रिय संबंधी भी कोई रोग है, वात व्याधि है, शोथ है, उदर रोग है, वात रक्त है, या पीली विकार और मल विबंध, इन सबको फिर में भी हम इसका एक इंडिकेशन मान के इसको यूज कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह का कॉम्बिनेशन कोई ना कोई कंपनी जरूर बना रही होगी, हमें आइडिया नहीं है अभी सुकुमार रसायन का, क्योंकि सुकुमार तेल और सुकुमार घृत पे तो मैंने बहुत काम कराया है, उसमें इनफर्टिलिटी पे भी काम कराया है, और बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। मेरा बच्चे ने थीसिस लिखी है सुकुमार घृत पर, लेकिन सुकुमार रसायन का भी अगर हम तैयार करवा के इसका यूज कराएं, स्पेशली हर्निया और हाइड्रोसिल की जो बात चल रही है, तो लगता है कहीं ना कहीं उसमें कुछ इफेक्ट मिल सकता है। जी मैडम बहुत सही बताया आपने कि कोई अभी मैं पिछले दिनों कोविड के समय में आयुष दर्पण पे आम पाचक वटी और इनका सिद्धांत काफी प्रोपेगेट हुआ था, तो मैंने देखा कि कंपनी ने, मैं कहीं गया था तो वहाँ देखा कि उन्होंने इस औषधि का निर्माण जो है यहाँ से मोटिवेट किया, तो इसी प्रकार से यदि कोई कंपनी नहीं बना रही होगी तो वो इस प्रकार की हमारे इन लेक्चर्स को देख के वो बनाना शुरू कर देगी, ये भी होता है। बिल्कुल सर, जी सर, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स हैं, और मैं चाहूंगा कि हमारे वैद्य लोग भी इसको निर्माण कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए,
और फिर आपका कुछ जो कहते हैं ना, कुछ लोग हमारा इतना स्पेशल योग है ये कहते हैं, तो आप इस प्रकार से ये शास्त्र पढ़ने से बहुत लाभ मिलता है, तो आप ये योग बना सकते हैं, ये सभी के लिए एक बनाने लायक, और ट्रायल भी कर सकते हैं अपने। निश्चित रूप से सुकुमार बताया जा रहा है, तो फिर जब बच्चे से लेके बड़े तक, सुकुमार का मतलब यही होता है, बच्चे होते हैं या बड़े या किसी भी प्रकार के अल्पसत्व वाले व्यक्ति भी तो ले सकते हैं। जी सर। चलिए आगे पढ़ते हैं फिर। अगला जो है सूत्र, मैडम मोनिका जी आप पढ़िए मैडम, 50, 50, 51। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। जी सर, 49 से शुरू करेंगे ना। 48 भी है ना भी? हाँ ठीक है मैम, बढ़िया, ठीक हो है गया ठीक मैम। हाँ 48 से ही या यही से पढ़ना है। हाँ 48, जी हाँ जी मैम, 48, हाँ जी। यायाद व धर्म न चेत शांति स्नेह रेकानुवासनै वस्ति कर्म पुरः कृत्वा वंक्षणस्थम ततो दहेत अग्निना मार्ग रोधार्थ मरुतः। इतना बढ़िया पढ़ा मैडम आप, एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ा। अब अर्थ भी बता दीजिए इसका, अर्थ पुस्तक है आपके पास? सर नहीं, मेरे पास पुस्तक कोई नहीं, बात मैं नहीं, पढ़ यहाँ आप अगर मैं प्रयास करेंगे ना तो पढ़ लेंगे आप। यहाँ लिखा है याया वर्णम न चेत पढ़ती शांति, पढ़िए आप हूँ। मैडम जी। हाँ पढ़ देते हैं सर। उसमें मैडम बहुत सिंपल लिया है मैडम सर, इसलिए कह रहे हैं कि इसमें इन्होंने बताया कि जो हम अंतर्वृद्धि की बात कर रहे हैं, हनिया की बात कर रहे हैं, उसमें और दूसरे उपचार के बारे में बता रहे हैं, तो उन्होंने इसमें लिखा है कि यदि अंतर्वृद्धि रोग जो है वो अगर जैसे हमने ऊपर अभी जो पढ़ा उसमें स्नेहन पढ़ा, विरेचन पढ़ा, अनुवासन, तो इन्होंने बोला ना कि स्नेह का स्नेह रेखा अनुवासन, स्नेह स्नेहन विरेचन अनुवासन आदि जो चिकित्सा विधियों से अगर वो शांत ना हुआ हो या उसमें आराम ना मिला हो तो वस्ती कर्म पूरा कृत्वा, मतलब हुआ कि निरहु वस्ती द्वारा रोगी के मलाशय को शुद्ध करके उसके बाद पक्षर प्रदेश में स्थित वर्म का वायु के मार्ग को रोकने के लिए दाह करें। मतलब उन्होंने यहाँ दाह कर्म के लिए, अग्नि कर्म के लिए बताया गया है कि अगर उसमें स्नेहन विरेचन अनुवासन हमने जो भी चिकित्सा करी उस चिकित्सा से अगर हमारे मरीज को आराम नहीं हो रहा है तो फिर हमें क्या करना है, वस्ती कर्म करना है पूरा। सबसे पहले वस्ती कर्म करेंगे, उसके बाद कृत्वा वक्षणस्थम ततो दहेत, तब उसके बाद हम जब निर्भर वस्ती के द्वारा रोगी के मलाशय को शुद्ध कर देंगे तो बक्षर प्रदेश में स्थित जो वर्म है उसका वायु के मार्ग को रोकने के लिए दाह करना है, ये इन्होंने बताया। मैम इसको क्या मतलब हुआ? एक्चुअली मैम जैसे कि हर्निया का जो साइट बताया है ना, हर्निया का जो साइट उन्होंने बोला है कि जो अब सबसे पहले हमने सारी चिकित्सा कर ली, अब उस चिकित्सा से अभी हमने सुकुमार रसायन भी खिलाया, हमने उससे पहले स्नेहन किया लेकिन आराम नहीं मिला है, तो जो बताया है ना अंतर्वृद्धि जो करते हैं उसमें इन्होंने दाह कर्म अग्नि कर्म बताया गया है, और भी शास्त्रों में आप देखेंगी तो उसके बारे में सुश्रुत ने भी बताया है कि यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें क्या किया है इन्होंने, आप ऊपर पढ़िए। तो इसका जो पर आगे वाला जो हमारा 49 और 50 आ रहा है ना, 49 ही है, उसमें इन्होंने पूरा विधि भी बताई है कि हमें अग्नि कर्म कैसे करना चाहिए, इसके आगे तो का मैम पढ़ेंगे तो इसमें और उन्होंने क्लियर ये होगा। चीज लिखी है ना टीका में, मतलब जो ब्रह्मानंद जी हाँ की है कि वायु के मार्ग को रोकने के लिए दाह करें, वायु एक्चुअली के मैडम, मार्ग को रोकने के हाँ लिए तो दाह करें। इनका हर्निया जो हो रहा है ना वो ऐसे तो हो नहीं रहा है, वो वायु कुपित ही हुई है ना मैडम, तभी स्पेस बन गया वहां से, स्पेस बनने के बाद जो हमारा कहना चाहिए कि कोई भी ऑर्गन प्रोलेप्स किया है या कोई भी सॉरी कोई भी जो इनगुलर हर्निया में क्या होता है या किसी भी तरह के हर्निया में क्या होता है, कहीं ना कहीं एक सैक से जो है हमारा इंटेस्टाइनल जो है या ओमेंटम जो है वो वहां से इनगुलर लिंक से बाहर आ जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरह का होता है, तो वो उन्होंने बताया है कि जो वायु का मार्ग वो बना है या जो एक रास्ता बना है उस रास्ते को आगे ना बढ़े उसको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, ये बताना चाह रहे। तो ये जो मैम मतलब अगर किसी का एक्सपीरियंस हो तो पता है, प्रोसेस वगैरह में तो दाह कर्म मैम हम लोगों ने कितना अच्छा देखा था आयुष दर्पण पर ही, शल्ले उन्होंने प्री एंड पोस्ट दिखाया था। अब इनको शल्ले अगर तनु माइल्ड शल्ले सा हो तो उसमें सत्य मतलब दाह कर्म से देखा जा सकता है, बजाय कि वो मैश वगैरह डालें। शल्य तंत्र विशेषज्ञ मैडम करते हैं, कई शल्य तंत्र विशेषज्ञ करते हैं, अब यहाँ हमारे पास यहाँ इस समय वो लोग नहीं है, लेकिन मैंने मतलब जैसे आप कह रहे हो मैंने भी कहीं ना कहीं उसके उनके यूट्यूब में देखा है कि वो वहां पे उस समय अग्निकर्म करके और वहां पे उसकी चिकित्सा होती है, और मैंने सर से भी रिक्वेस्ट की थी, हमारे यहाँ भी हर्निया पे एक बहुत अच्छा कभी बहुत पहले एक कोविड के समय से ही कोई हर्निया पे बहुत अच्छा एक आया था सर, शायद अरविंद सर ने ही बोला था,
अब वो मिल नहीं रहा है, मैंने कई बार उसको स्क्रॉल किया ढूंढा लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा है। तो उसपे बहुत अच्छी चिकित्सा हर्निया पर हम लोगों ने, मतलब एक हमारे पास वीडियो रहा है, लेकिन वो इस समय मिल नहीं रहा है। और वो चिकित्सा अग्निकर्म चिकित्सा की जाती है, और स्पेशली जो सर तो बैठे ही हैं, सर बताएंगे मर्म वगैरह जो वहां पे दिया गया है, और जो दहा अग्निकर्म का जो स्पेस बताया गया है, वो पहले हम नेक्स्ट वाला लेग पढ़ लें, फिर डिस्कस करेंगे चरक सूत्र में देख के। जी जी मैम पढ़ू मैम हाँ पढ़िए। जी, अर्धेन्दु वक्त्रया अंगुष्ठो स्योपरी त्राव पीतम तंतु समम चयत उत्क्षिप्य सूच्या तत् तिर्यक दे तिर्यक दहे छित्वा यतो गदह ततो अन्य पार्श्वे अन्ये त्वाहु त्वाहुर्द हेद हेद्वा वा अनामिका अंगुले गुल्मे अन्यै वात कफजे प्लीहि चायम विधि स्मृतः कनिष्ठ का नामिका नामिक यो विश्वाच्याम च यतो गदः। जी मैम जी 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 बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैडम। और इसमें साफ साफ इन्होंने यही बताया कि दहा कर्म के लिए जो उन्होंने बताया है, वो बोल रहे हैं कि जैसे उन्होंने बोला ना अर्धेंदु बकरिया, तो अर्धेंदु बकरिया का मतलब हुआ कि जो हमारी नहीं होती है अर्धचंद्राकार जो हमारी क्या कहते हैं सूची होती है, हम निडल यूज करते हैं अक्सर उसको, इसमें सर्जरी वगैरह करते हैं जो हम लोग, या सीजन इंसेक्शन करते हैं उसमें हम लोग जब यूट्रस को स्टिच करते हैं, तो हम कर्व्ड कर्व्ड कहते हैं ना, कर्व्ड में भी जो है वो कटिंग नॉन कटिंग होती है, तो कर्व्ड निडल लिए इन्होंने बताई है। और स्पेशली जो बताया उन्होंने ये लिखा है कि अंगूठे के ऊपर, अब अंगूठा इन्होंने ये नहीं बताया कि अंगूठा हम कौन सा वाला लेंगे, या अभी आगे पढ़ते हैं तो शायद कुछ क्लियर हो, इन्हें पढ़ देती हूँ फिर उसको भी समझते हैं। अंगूठा के ऊपर पीला तंतु के सदृश जो स्नायु है उसे अर्ध अर्धेंदु वक्र सूची से उठाकर तथा उसे तिरछा काटकर उस पर दहा कर्म करे, अथवा शरीर के जिस ओर वृद्धि रोग हो हर्निया हो उससे दूसरी ओर जो अंगूठा हो उस पर स्थित स्नायु को तिरछा काटकर अग्नि कर्म करें, अथवा अनामिका अंगूठी के अंगूठे के बगल वाली अंगुली के ऊपर कहे गए ढंग का स्नायु है, मतलब जो स्नायु हम बताएंगे पीले तंतु के सदृश जो स्नायु है उसे तिरछा काटकर दहा करें। कुछ दूसरे आचार्य का कथन है कि वात कफज गुल्म रोग अथवा पिलिया रोग में इस विधि से दहा कर्म करना चाहिए। विश्वासी विश्वाची नामक वात रोग में जिस ओर रोग का प्रभाव हो उस ओर की कनिष्ठिका तथा अनामिका अंगुलियों के ऊपर स्थित पीले तंतु एवं तंतु जैसे स्नायु को काटकर उसका दहा करें। तो इन्होंने वही बताया स्पेशली कि ये जो समझ में आ रहा है कि अंगूठा के ऊपर पीला तंतु, तो ये मे बी कि जो इन्होंने स्पेशली जो है लोअर लिम या अपर लिम यहाँ क्लियर नहीं किया है, इसके लिए हमें थोड़ा सा और संहिताएं देखनी पड़ेंगी, हो सकता है टीका में कुछ हमें और आगे मिले। तो वहां पे इन्होंने बोला है कि उस अंगूठा के ऊपर जो पीला तंतु के सदस्य जो स्नायु हमको दिख रहा है, वहीं कहीं इन्होंने बोला है कि उस स्नायु को पहले काटेंगे वहां फिर अग्निकर्म करेंगे। अब ये देखिए बहुत बढ़िया रिसर्च का टॉपिक है कि इस स्नायु से वृद्धि, और ये भी बोला है कि वृद्धि जिधर की वृद्धि है, मतलब मानिए अगर राइट साइड का हर्निया मिल रहा है तो लेफ्ट साइड में करेंगे, अगर लेफ्ट साइड का मिल रहा है तो राइट साइड का करेंगे, और दहा कर्म ही इन्होंने बताया है। और एक और बताया है कि अनामिका जो अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है उसके ऊपर जो स्नायु होता है उसको तिरछा काट कर वहां पे दहा कर सकते हैं। अनामिका उंगली के ऊपर वाला जो बगल, मतलब कि बगल वाली जो उंगली है उसके ऊपर का जो स्नायु अगर हमें मिलता है उसमें भी उससे भी स्कर होता है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर वहां पे हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। इस तरह चिकित्सा व्यवस्था जो हमारे शास्त्रों में आई है तो कुछ ना कुछ उसका जरूर रिलेशन होगा, और इस पे स्टडी करें रिसर्च करें तो थोड़ा सा पता चले कि क्यों ऐसे बता रहे। जी मैम आगे की टीका अच्छा बताया मैम, बहुत अच्छा बताया, टीका पढ़िए मैम कोई कुछ के लिए हो सकता है, कुछ क्लियर हो सकता है शायद इसलिए पढ़ लिया जाए। ठीक है पढ़िए मैडम विनीता जी। सर सर महावीरता मैम पढ़ लो क्या आप? पढ़िए नहीं तो आप ही पढ़िए। यतो यस्मिन पार्श्वे गदो विद्यते तत् पार्श्वस्थ
पार्श्वस्थस्य अंगा अंगुष्ठोस्य उपरि पृष्ठे स्राव पीत यत तंतु तुल्यम। ये वही बोला जो ऊपर बोला था कि जिस पार्श्व में वृद्धि स्थित हो, है ना, यानी व्याधि स्थित हो, उसी पार्श्व की अध्यस्य अष्ट अध्यस्त अंगुष्ठियों ऊपरी, उस अंगूठे के ऊपर की पीले रंग का जो तंतु है, ऐसा ही है ना मैम? हाँ मैम, हाँ, तंतु तुल्य मतलब तंतु के समान दिखाई पड़े, समान जो है जी है। तत् श्रावोत्क्षिप्य अर्धेन्दु वक्रया सूच्या तिरिय छित्वा अनंतर तद देह तद दहे दित्य के वदंती। जी मैम, वही मैम, उन्होंने वो जैसा अभी हमने बोला ना कि उसको उन्होंने जो दहा कर्म भी बताया है ना, हाँ, वो भी उन्होंने यही बताया कि अर्धेन्दु वक्रया सूचिया तिर्यक, मतलब उसको पहले तिर्यक छितवा, तिर्यक छितवा मतलब तिर्यक में छेदन करना है और फिर उसको दहा दहा कर्म करना है, तो दहा कर्म के लिए भी हमें लग रहा है उन्होंने यही बताया है कि आपको अर्धेन्दु वक्रया सूचिया, मतलब जो हम कहते हैं कि कर्म जो है, कर्म जो निडिल आती है, कर्म निडिल से ही दहा कर्म के बारे में बताया है। अन्य आचार्य एवं आहु जी, अन्य आचार्य ऐसा कहते हैं जी, अन्य आचार्यों का मत इस प्रकार है, आगे जो बता रहे हैं उसके उसमें बोलिए, बताए पढ़िए मैम। एक मैं दूसरी वो शेयर कर देती हूँ, उसमें पूरा है जी। जैसी सर, कर्म के ऊपर जो एक बार माधवी मैम की शायद उन्होंने किया था और पहले भी एक बहुत अच्छा बहुत लंबा हुआ था, उसको ढूंढ के और एक बार दोबारा से लिंक शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। काफी विस्तार पूर्वक हुआ था, कोविड भी शुरू में हुआ था सर। स्वप्निल जी शेयर कर देंगे, वो सुन रहे होंगे, वो शेयर कर देंगे। मैम माधुरी मैम ने ना, माधुरी मैम ने वो बताया था उसके लिए, अश्मरी के लिए बताया था ना, पैर के अंगूठे के पास में विद्ध कर्म था वहाँ पे, विद्ध कर्म के पास में करते हैं विद्ध कर्म जी जी सर। और सर अभी कुछ दिन पहले जो चल रहा है, आपने एक वीडियो भी, विनीता जी ने भी एक वीडियो शेयर किया था, मैंने देखा जी सर। और कुछ दिन पहले जो सर आए थे ना, उन्होंने बताया था कि जब मतलब विसूचिका में वो अग्निकर्म करते हैं, वहीं उसी जगह पे जहाँ पे विद्ध कर्म के लिए माधवी मैन ने बोला था, तो उससे इंटेस्टाइन ना कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे मतलब सीक्रेशन कम होते हैं और छर्दी और अतिसार में फायदा मिलता है। अग्निकर्म के विशेषज्ञ हैं वैद्य आशीष पढ़के, एमडी पीएचडी, एक बार मिलाया था मैं उनको, फिर उनको ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं जी सर, और एक्सप्लोर कर देंगे। मुझे लगता है ना जैसे मतलब ये अग्निकर्म करते होंगे तो वहां पे संकोच होता होगा, जिससे वृद्धि रुक जाती होगी, जैसे उन्होंने कहा था ना कि उन्होंने लाइव देखा था, मतलब ऑपरेशन हो रहा था तो उसी समय सर ने कहा था कि सलाका ले आओ और यहाँ पे दग्ध करके देखो, तो फिर मतलब उन कहते हैं कि हमने लाइव देखा कि जब वहां पे दग्ध करते हैं तो इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो मुझे लगता है सर इसके पीछे लॉजिक शायद यही होगा कि वहां पे दग्ध कर देंगे तो जो वृद्धि हो रही है वो संकोच कर जाएगी और फिर आगे नहीं बढ़ेगी। मैम वो ये वायु के मार्ग को रोकना, और उन्होंने इस चीज को जो है ना वो टोसिस, टोसिस जो होती है जिसमें ये जो गिर जाती है ना मैम पलक, तो हाँ, तो टोसिस में भी उन्होंने उसको यूज करके दिखाया था और बहुत सारे उन्होंने शेयर किए थे, तो अच्छा रहेगा अगर ये दोबारा से शेयर हो जाए या इस पे दोबारा से कुछ हो जाए तो सर। जोशी इस पे दोबारा दोबारा लेक्चर होगा, और अभी 29 तारीख को हम इस पे एक लाइव लाइव सेशन कर रहे हैं वर्कशॉप ना, तो उसमें काफी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, तकरीबन 50 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो गए। मैं उसका प्रयास करूंगा कि उस दिन आपको उस लाइव सेशन का जूम से आपको, आप लोगों को भी जो नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो जूम के साथ में आप जूम ऑन करके हम आपको डायरेक्ट लाइव में भी आपको दिखाएंगे। थैंक यू जी सर, थैंक यू सर। तो आज अब ये चैप्टर में तो अभी बच गया है थोड़ा सा, लगता है यह हो गया कम्प्लीट। हाँ बस थोड़ा सा आगे का दो लाइन होगी तो मैडम पढ़ देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। इसको इसको पढ़ दीजिए मैडम, तो ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर जी सर, पढ़ दीजिए फिर इसको मैम जी। मोनिका मैम पढ़ रहे हैं ना? मोनिका मैम सॉरी मैम, मैं पढ़ रही थी लेकिन म्यूट पे ही पढ़ती रही, सॉरी, मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ। समापन करके आप जी, तत्पश्चात
यतो असो गदस्ति गदि गदस्तिष्ठति ततो यदन्य तत्पार्श्व तस्मिन् पार्श्वे अंगुष्ठ से उपरि यत श्राव तथा तथा विव यत पूर्ववत दहे दिति। जी अभी वही हुआ ना कि अभी हमने अन्य आचारों के मत की बात करते हैं, अभी तो हमने एक मत की बात की थी और उसके बाद कुछ दूसरे आचारों का यही कथन बताया गया है कि जो हम दाह कर्म इसी विधि से जो है वो दाह कर्म करना है वो जब यद अन्य पार्श्व मतलब ये दूसरे पार्श्व में भी, जैसे वही बात हुई ना कि अगर एक तरह की अगर वृद्धि है तो उन्होंने बोला अन्य पार्श्व, यहाँ बोलते हैं ना यद अन्य पार्श्व दूसरे पार्श्व में भी हमको जैसे जिस तरफ का है उसके बाई का है तो दाई तरफ और दाई का है तो बाई तरफ ही पूर्व पूर्व की भांति हमें दाह कर्म करना है। अन्ये त्वेव वदन्ति अन्ये त्वेव वदन्ति अनामिकाया अंगुलो रूपरी यत श्राव तथा रूप तत् पूर्ववत् दहे दिति। जी मैम भाई अनामिका अभी हमने बताया कि अंगुली के अंगूठे के बगल वाली जो उंगली अंगुली है उसी में भी उसका भी जो है हमको तंतुवत जो हमें मिलेगा वहीं पर हमें दाह कर्म पूर्व विधि से करना होगा। अन्य आचार्य वात कफ कफजे गुलमे प्लीहि च एष ए य अय एव अनंत रोक्तो विधि स्मृत। मतलब अन्य आचार्यों ने कफज गुलम और प्लीहा वृद्धि में भी यही वृद्धि यही विधि बोली गई है। तथा विश्वाचया वात व्याधि विशेषे यतो यस्मिन् पार्श्वे पार्श्व असौ गदत तस्मिन् पार्श्वे कनिष्ठिका अनामिका अनामिकियो उपरी यत श्राव पीत तंतुसम तद उत्क्षिप्य तिर्यक छित्वा दहेत इति। वही बोला गया है कि पिशवाशी इत्यादि जो बात व्याधि विशेष है उसमें भी इन्होंने यही बताया है कि विश्वाची और बात रोग में जो है अगर जिसमें भी रोग का प्रभाव होता है उसी ओर की मतलब सेम साइड की कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियों के ऊपर जो है हमें जैसे बताया कि जो हमें तंतु मिलेगा पीला तंतु मिलेगा कनिष्ठ का नाम ऊपर ही है श्राव पीतम तंतु समम तद छिपत्ते मतलब वहीं पर हमको उसको हल्का सा तिर्यक रूप से काट के और वहां पे हमें दाह कर्म करना होगा मतलब उसे उठाकर फिर तिर्यक। हाँ मैम पहले उसको हाँ उसमें हाँ उन्होंने ये बोला कि तंतु को थोड़ा उत्क्षिप्त करके और फिर ऊपर करके जी हाँ और तिरछा करके सीधा भी नहीं करके तिरछा करके ये दो चीज अर्धेन्दु वक्रा मतलब सेमी लूनर सेमी लूनर सेमी लूनर जी सेमी लूनर हमने जो है सेमी लूनर इंसिजर इंसिजर देते हुए थोड़ा सा सेमी लूनर कर्व निडल जी मैम यहाँ पे निडल नहीं है यहाँ पे ये जो दाह कर्म होते हैं उसके भी अलग अलग वो आकार में किया जाता है ना दाह कर्म जी 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 तो ये उसमें वो अर्धचंद्राकार अर्धचंद्राकार हाँ एक्चुअली उसमें ये भी बताया है ना जो टीकाकार ने बताया कि सूची से उठाइए तो जो सूची से उठाइए तो वो सूची आपकी जो है स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए वो सेमी लूनर होनी चाहिए ये स्पेसिफाई इन्होंने टीकाकार ने यहाँ पे किया है तो वही है जो तो तंतु मतलब है वो बहुत सूची के लिए हुआ। जी 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 कि बहुत वैसी सूची से ही उसको उठाने के बाद वहां पे मतलब तिरछा काटने के बाद फिर जो है हमें दाह कर्म करना चाहिए ये इसमें आया है ये क्लियर हुआ यहाँ पे। जी तो इस पे आप ये चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। इस पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है क्योंकि अग्निकर्म का विषय है। हम इस पे फिर इस पे पूरा एक विस्तृत सेशन करेंगे और आपको लाइव भी दिखाएंगे। मैडम आप जो है समापन के लिए शांति मंत्र का जाप करिए और फिर समाप्त करेंगे। जी सर। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 भवतु।
प्रणाम सर, थैंक यू बहुत बहुत मैडम धन्यवाद, बताने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। कल फिर से हम नए अध्याय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रणाम।